हरि ओम। प्रथम स्कंदः नवमोध्यायः त्रयोविंशतितमः श्लोकः। भक्त्या विश्यमनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। त्यजन् कलेवरं मुच्यते काम कर्म भी। मुच्यते काम कर्म भी। परमात्मनः भक्त्या मनः परमात्मनि आवेश्य भक्तः वाचा भगवद् नाम कीर्तनं करोति। तादृशस्य भक्तस्य काम कर्म भी मुक्तिः भवति। काम कर्म भी यदा मुक्तः भवति तादृशः योगी कलेवरं त्यजति तस्मिन्नेव समये। अतः योगी कलेवरं त्यजन् मुच्यते, अनुक्षण उसका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के गुणलीलाओं को, परमात्मा के सभी अवतारों का क्रमशः यथा किसी एक अवतार का, किसी एक प्रसंग का हम केवल स्मरण करें, केवल उस स्मरण के, उस लीला के अनुसार हम कोई कीर्तन करें और वो कीर्तन करते हुए भगवान में अनन्य मन रख दें। वो अनन्य मन रख करके बड़ी ही अंतःकरण की वाचा, बड़ा एक तन्मयता का, तत्परता का अनुभव और भगवान का कीर्तन करते हुए काम और कर्म अर्थात कामनाएं भी छूट जाती हैं, कर्म का बंधन भी छूट जाता है। ऐसा योगी जैसे ही शरीर छूट, कलेवरम त्यजन, कलेवर माने शरीर, जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही उसको भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति ऐसे होती है जैसे अनुक्षण हम परिवर्तित करते ही परम कृपालु परमात्मा का दिव्य धाम जो गोलोक धाम है उसकी प्राप्ति होती है, भगवत धाम में वो जाता है। वो इसीलिए तो योगी शब्द कहा है। ऐसा योगी वो सभी तरह से काम और कर्म से मुक्त होता हुआ वह भगवान के नित्य धाम का सुख पाता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम मम, हरि शरणम, हरि शरणम।